हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एलसीएम फाइंड आउट करना बाय डिवीजन मेथड 126, 147 एंड 189 का। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे 126 को, देन 147 को, देन 189 को। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी प्राइम फैक्टर स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो अगर तो इन तीनों में से एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो देखें, अगर आपने चेक करना कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो उसका लास्ट डिजिट चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या 2 या 4 या 6 या 8, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इनमें से होगा ना, इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 126 का अगर आपने चेक करना है तो इसका लास्ट डेट चेक कर लें, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसका तो लास्ट डेट 6 है इनमें से, है ना, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 147 का लास्ट डेट चेक करें, 7 है इनमें से नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 189 का भी लास्ट डेट 9 है इनमें से नहीं है, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब सिर्फ ये हो रहा है 2 से डिवाइड, तो ये दोनों नहीं हो रहे। मैंने आपको क्या कहा था, अगर एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमने यहाँ पे 2 ले लेना है, तो ये तो हो रहा है ना। अब 2 के टेबल में 12 आता है 6000, 2 के टेबल में 6 आता है 3000। 147 मैंने आपको दिखाया है कि नहीं होता, तो इसको वैसे लिखते हैं। इसी तरह 189 भी वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं, तो ये दोनों तो नंबर पहले ही 2 से डिवाइड नहीं हो रहे थे, अब ये भी नहीं होगा क्योंकि 63 का लास्ट डेट 3 है इनमें से नहीं है, तो 2 से तो नहीं होगा, ये 3 से हो जाएंगे। इनमें से कौन से 3 से होंगे, ये तो पता चल रहा है साफ कि ये 3 से हो जाएगा, और ये भी पता चल रहा है क्योंकि 3 2s are 6 3 1s are 3 3 6s are 18 3 3s are 9। अब ये नहीं पता चल रहा, ये इस तरह के और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको ना पता चले तो 3 के लिए भी ये रूल होता है कि जिस नंबर को हमने चेक करना है 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो उसके डिजिट्स प्लस कर दें। प्लस करने पर अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि 3 के टेबल में आता है, तो इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब 63 का हमें तो डायरेक्टली पता है कि ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर आपने चेक करना है तो क्या करेंगे, इसके डिजिट्स प्लस कर दें। तो प्लस करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ऐसा ही है, 6 में 3 प्लस करें 9 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है ना, इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 147 को चेक करना है तो इसके भी डिजिट्स प्लस कर दें, 1 + 4 + 7, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 में 1 में 4 प्लस करें 5, 5 में 7 प्लस करें 12, तो इनको प्लस करने पे 12 आ रहा है, और 3 के टेबल में 12 आता है ना, इसका क्या मतलब है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 189 का हमें डायरेक्टली भी पता है, रूल के अकॉर्डिंग भी सुन लें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 8 में 1 प्लस करें 9, 9 में 9 प्लस करें 18, ठीक है, तो 3 के टेबल में 18 भी आता है, तो ये तीनों नंबर ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 के टेबल में 6 आता है 2s are, 3 के टेबल में 3 आता है 1s are। 3 के टेबल में अगर आपको देखिए, हम 1 तो नहीं सॉल्व होगा, 14 को सॉल्व करेंगे, 14 भी नहीं आता 3 के टेबल में। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर लें कि आप कटिंग कर लें पेंसिल से, ठीक है, बाद में रेस कर दें कि 3 के टेबल में 14 नहीं आता, 14 से छोटा 12 आता है, आप इसे कट करके 12 बना लें। ठीक है, हमने जब इसे कट करके 12 बनाया तो हमारे पास क्या आ गया, अब 3 के टेबल में 12 आ गया, कितनी ज़्यादा होता है, 3 के टेबल में 12 होता है 4s are। हमने इसे जब 14 था कट करके 12 बनाया तो क्या हुआ, इसका 2 कहाँ गया, इसका 2 इधर चला गया। ठीक है, ये बन गया 27। ठीक है, तो अब 3 के टेबल में 27 कितनी ज़्यादा आता है, 3 के टेबल में 27 आता है 9s are। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्टली पता था 3 के टेबल में 147 आता है 49s are, तो फिर आप डायरेक्टली लिख दें, मैंने ये आपकी आसानी के लिए आपको बताया। अब ये तो हमें डायरेक्टली पता है 3 के टेबल में 18 आता है 6000 और 3 के टेबल में 9 आता है 3000, ठीक है, डायरेक्टली पता चल रहा है जैसे इसका इसका, फिर तो आपको कटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इस तरह का तो आपको नहीं पता चल रहा तो कटिंग करके इस तरह लिख लें, और जिनको इशू है कि कटिंग नहीं करनी तो वो पेंसिल से कर लें, वहाँ रेस कर लें। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे 3 ले सकती हूँ, तो 3 के टेबल में 21 भी आता है, 3 के टेबल में 63 भी आता है, 3 के टेबल में 49 नहीं आता। ठीक है, तो इसको वैसे ही लिख लेंगे, ये दोनों तो डिवाइड हो रहे हैं ना, तो 3 ही ले लेंगे। 3 के टेबल में 21 आता है 7s are, 49 वैसे ही लिख लेंगे, और 3 के टेबल में 6 आता है 2s are, और 3 के टेबल में 3 आता है 1s are। अगेन 3 ले सकते हैं, तो 3 के टेबल में ये दोनों तो डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये दोनों नहीं हो रहे लेकिन ये तो हो रहा है ना, तो फिर भी 3 ही लेंगे। जब तक हो ही जाना है एक नंबर भी तो हमने 3 ही ले जाना है, 49 भी नहीं होता, इसको भी वैसे ही लिख लें। 3 के टेबल में 21 आता है 7s are, अब हम 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 के टेबल में इन तीनों में से कोई भी नहीं आता, मतलब ये तो 7 है, ये भी 7 है, लेकिन इन दोनों में से, ठीक है, ना तो ये डिवाइड हो रहा है ना तो ये डिवाइड हो रहा है 3 से, तो हम 3 नहीं लेंगे, 7 ले सकते हैं। 7 के टेबल में 7 भी आता है 1s are, 7 के टेबल में 49 आता है 7s are, और 7 1s are 7 आ गया, अगेन 7 ले लेंगे। और अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम एलसीएम फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे लिखें एलसीएम ऑफ किस किस का फाइंड आउट करें, यहाँ पे लिखें 126, 147 एंड
189 इज़ इक्वल टू, इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो यहाँ पे लिखे और मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, और आप सबको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ार कितना होता है 6 6 3 ज़ार 18, ठीक है, और 18 3 ज़ार कितना होता है हमारे पास 54, ठीक है, 54 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से, तो 54 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा, 378, आप 378 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, तो सबको मल्टीप्लाई हमारे पास करके ये आ रहा है 2646, ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करके ये आ गया, हम क्या कहेंगे एलसीएम क्या आया 126, 147 और 189 का 2646, तो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो डिवन मेथड था ना, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हो तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बस ओवरव्यू दूंगी। ये देखिए एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, करने तो प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट हैं, ठीक है, लेकिन वो टू नंबर्स के थे, चलें 3 के देख लें, ठीक है, करने तो अच्छा प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट हैं, पहले 27 के फिर 54 के फिर 90 के कर लिए, उसके बाद इस तरह लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद देखें जो कॉमन आ रहा है 3, तो तीनों में कॉमन है वो भी ले लेना है, ये 3 भी ले लेना है। अब एलसीएम जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें इधर है इधर है इधर नहीं भी है तो कॉमन ले लेते हैं, दो जगह भी कॉमन है तो ले लेते हैं, जैसे 3 इधर है इधर है इधर नहीं था एक और तो हमने फिर भी कॉमन ले लिया, ठीक है, एलसीएम में ऐसा होता है, एसीएम में ऐसा नहीं होता, एसीएम में इधर है इधर है इधर है तीनों में है तो ही कॉमन लेना है, इधर है इधर है इधर नहीं था तो कॉमन नहीं लेना था, ठीक है, लेकिन एलसीएम में हम ले लेते हैं, ठीक है। एक और फ़र्क भी होता है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, जो कॉमन है ठीक है उनको तो एक एक दफ़ा लिखना ही है, अब जो नॉन कॉमन है 5 नॉन कॉमन है उसको भी लिखना और मल्टीप्लाई करना फिर आंसर आएगा, ठीक है, ये एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और ये एलसीएम बाय डिवन मेथड, तो आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। एक और बात कि अगर हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं इन्हीं सेम नंबर्स का, बेशक फिर आप एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें या डिवन मेथड से करें, आंसर फिर यही आएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।